भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली अगर SUV की बात की जाए तो टाटा पंच का नाम उसमें सबसे पहले आएगा। हम टाटा पंच की EV की आज बात करने वाले हैं, जो कि आपको 5-स्टार की बेहतरीन रेटिंग के साथ आपको मिलती है। यह है टाटा पंच का EV वेरिएंट, जो कि आपको एम्पावर लॉन्ग रेंज वाला वेरिएंट मिलेगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो आपको क्लेम की जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्याम चौहान और आप देख रहे हैं इसके कार्ड पर। स्वागत आज की वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टाटा पंच एम्पावर लॉन्ग रेंज के बारे में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट की। अगर फ्रंट की बात करें तो बिकॉज ये EV है, तो इसका जो फ्रंट ग्रिल है वो ऑलमोस्ट आपको जो है कवर्ड मिलेगा, बंद मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है इंजन तो होता नहीं, उसको ठंडा करने के लिए इसके अंदर आपको कोई जो ग्रिल्स की है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटा सा जो ग्रिल का जो पॉइंट है यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो आपको हॉर्न मिलेगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी जो है हॉर्न मिलेगा। नीचे की बात करें तो यहाँ पर जो आपको AC के वेंट्स, अगर माने AC के लिए जो वेंट्स दिया गया वो आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार का इंजन को ठंडा करने के लिए जो वेंट्स है वो आपको नहीं दिया गया है। फ्रंट में अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये जो है ये फ्रंट पार्किंग कैमरा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आपको 360 कैमरा जो आपको इसके अंदर मिल जाता है। टाटा का जो नया लोगो है जो इल्यूमिनेट करता है, वो 2D के अंदर 3D के अंदर आपको नहीं मिलता है। और अगर इसको चार्ज करने की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट पे आप देखोगे तो आपको यहाँ से ये चार्जिंग के लिए तो एक सॉकेट है, ये पूरा खुल के बाहर आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो सबसे पहले आपकी नज़र जो जाएगी इसकी जो ये कनेक्टेड जो लाइट है, आप देख पा रहे हैं यहाँ तक जो है ये कनेक्टेड लाइट है। इसमें भी जो है इसके दो पार्ट्स है। पहले जो है कि ये जब वाइट कलर में इल्यूमिनेट होती है तो ये पूरा जो पार्ट है ये वहाँ तक ये पूरा इल्यूमिनेट होता है, और जो ये पार्ट है ये इतना, ये आपको टर्न इंडिकेटर के लिए भी यही जो है इंडिकेटर के लिए काम करेगा। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं इसके जो फ्रंट की जो हेडलाइट है, हेडलाइट की बात करें तो आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्टर हेडलाइट दी जाती है, उसके साथ ही आपको यहाँ पर दो फॉग लैंप भी इसके अंदर दिए जाते हैं। व्हाइट लाइट जो है आपको इसके अंदर मिलती है। इस तरह अगर आप बात करोगे तो ये आपको थोड़े जो है एरोडायनेमिक के लिए जो है ये इवेंट आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल फ्रंट से जो आपने देखा है, ये इसके अंदर जो फ्रंट लुक है ये काफ़ी आपको मस्कुलर जो लुक है आपको इसके अंदर मिल जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। अगर फ्रंट प्रोफाइल में अगर आप इसे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट आपको पुरानी जो पंच है उसी के मुकाबले आपको देखने को मिलेगी, उसकी जैसी ही आपको देखने मिलेगी। अगर आपसे साइड से इसे देखोगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि ये पंच EV है। आपको पता कैसे लगा गया, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये जो .EV की जो बेजिंग है, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो है पंच EV है। अब टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो टायर प्रोफाइल जो है आपको इसके अंदर सबसे पहले आप इसकी जो अलॉय व्हील है उसका डिज़ाइन देखिए, बहुत ही सुंदर आपको इसके अंदर जो है अलॉय व्हील मिलते हैं। यहाँ से अगर नज़र मारोगे तो आपको फ्रंट में जो है डिस्क ब्रेक भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। टायर साइज़ की अगर बात करें तो R16 इंच के आपको इसके अंदर जो है टायर मिल जाते हैं। अगर सस्पेंशन ट्रेवल की अगर बात करें तो अच्छा खासा सस्पेंशन ट्रेवल जो आपको इसके अंदर मिल जाता है, और वो काफ़ी हैवी सस्पेंशन जो इसके अंदर मिल जाता है। वैसे सस्पेंशन के मामले में टायर जो टाटा की जो गाड़ी है वो वन ऑफ द बेस्ट कार्स होती है अपने सेगमेंट में सस्पेंशन के मामले में। उसके बाद अगर देखोगे तो आपको यहाँ पर रबड़ पेंट भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाता है, बाकी जो कवरिंग जो है टायर की चारों तरफ डैम्पिंग वो भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाती है। व्हील आर्च की बात करें तो व्हील आर्च जो है आपको इसके अंदर जो है मेट फिनिश के अंदर प्लास्टिक का ब्लैक प्लास्टिक के अंदर इसके अंदर जो आपको दिया गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं रियर व्यू मिरर की। अगर मिरर की बात करें तो आपको इसके अंदर ही जो है टर्न इंडिकेटर जो आपको इसके अंदर ही मिल जाता है। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये आप जो देख रहे हो ये जो कैमरा है ये आपको 360 डिग्री के अंदर आपकी जो हेल्प करेगा। जो 360 डिग्री जो कैमरा है, यानी इसके अंदर आपको चार कैमरे मिलते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट आपको चार कैमरे इसके अंदर मिल जाते हैं। अगर ड्राइवर साइड को ड्राइवर साइड अगर डोर की बात करें तो इसके अंदर आपको जो है किसी भी तरीके की कीलेस एंट्री जो आपको इसके अंदर नहीं मिलती है, रिक्वेस्ट सेंसर जो इसके अंदर आपको नहीं मिलता। ओवरऑल अगर हम बात करें पूरी कार की, अगर आप देखोगे तो पुरानी जो पंच है उसी से आपको रिजेंबल ये ऑलमोस्ट मिलेगी। डुअल टोन कलर में ये इसका ग्रीन कलर है, और ऊपर आप देखोगे इसके अंदर ब्रेक में कलर है, और साथ में आपको जो है इसके अंदर रूफ रेल भी आपको इसके अंदर दी जाती है। पर ये रूफ रेल जो है फंक्शनल नहीं है, बिकॉज इसके अंदर आपको सनरूफ भी मिलता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले जो आपकी नज़र जाएगी वो आपकी इसकी जो सुंदर सी जो जो लाइट है बैक लाइट, उस पर आपकी नज़र जाएगी। अगर लाइट की बात करें तो आपको पुरानी जो पंच आती थी
जो IC इंजन के साथ आती थी उसी के जैसी आपको इसके अंदर मिलती है, कोई ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। और पूरी तरीके से आपको LED में यह लाइट जो है मिलती है और इंडिकेटर ही आपको हैलोजन के अंदर मिल जाता है। वाईफाई डिफॉगर आपको इसके अंदर मिल जाता है, साथ में आपको इसका हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। और अगर एंटीना की बात करें तो आपको शार्क फिन एंटीना जो इसके अंदर मिल जाता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं टाटा का जो ये 2D जो लोगो नया वाला आया है वो इसके अंदर लगाया गया है। जो 2D, अब देखो 2D जो लोगो है वो साथ साथ में अभी और भी जो कार आएंगी, जितनी भी मैन्युफैक्चर जो इंडिया में काम कर रही है कंपनी जितनी भी है, उनके अंदर सभी के अंदर आपको 2D लोगो ही देखने को मिलेगा। इसका जो कारण है वो यह है कि इंडियन सरकार ने, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने जो क्रोम आता है उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से बैन लगा दिया, बिकॉज उसमें जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है अच्छे बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक कलर में punch.ev लिखा हुआ मिल जाता है और रिफ्लेक्टर भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। अगर बूट स्पेस की बात करें, पहली बात बूट को एक बार ओपन करोगे अपने आप ऊपर चला जाता है, बिकॉज इसके अंदर जो हाइड्रोलिक स्टड्स है आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बाकी ओवरऑल अगर फिट एंड फिनिश की बात करें तो आपको अच्छे तरीके से कवरिंग जो है तार वगैरह की जो मिल जाती है। ऊपर अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर भी आपको जो है बूट का जो डोर है वो अच्छी तरीके से आपको वेल कवर आपको इसके अंदर मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। बूट स्पेस की बात करें तो आपको इसके अंदर 366 लीटर का 366 का लीटर का आपको इसके अंदर बूट स्पेस जो अच्छी तरीके से मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका चार्जिंग है। ये चार्जिंग जो है आपके जो घर के जो सॉकेट है उसमें अगर लगाओगे तो आपको ऑलमोस्ट 8 घंटा लेगा जो गाड़ी को चार्ज करने के लिए। अगर आप फास्ट चार्जर पे जाओगे तो फास्ट चार्जर पे आपको ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर ही अच्छी तरीके से फुल चार्ज हो जाएगी। और अगर बात करें सीट की तो ये जो आप सीट देख रहे हो ये 60-40 रेशो में आपको स्प्लिट नहीं मिलेगी, 100% स्लिप्ट होती है, जिससे आपका बूट स्पेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता है। बूट लाइटिंग भी आपको इसके अंदर साथ में जो है मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1 kg का हुक इस तरह मिलेगा और दूसरा जो 1 kg का हुक है वो आपको इस तरह भी देखने को मिलेगा। ओवरऑल बूट जो है अच्छी तरीके से वेल्ड कवर हो अच्छी तरीके से आपको मिल जाता है। अब बूट को करते हैं बंद और बात करते हैं इसकी सेकंड रो की। अब देखो सेकंड रो की अगर बात करें तो पहले गाड़ी को कर लेते हैं अनलॉक। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड रो की। सेकंड रो का जो डोर है उसे खोलने के लिए जो इसका डोर हैंडल है वो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डोर की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि पूरा 90 डिग्री जो ये ओपनिंग जो आपको इसके अंदर मिल जाती है। फिर बात कर लेते हैं डोर की, तो आपको जो प्लास्टिक यूज़ हुआ मिलता है ये आपको काफ़ी अच्छा और काफ़ी अच्छे टेक्सचर के साथ जो है वो मिल जाता है। हार्ड प्लास्टिक मिलता है, सॉफ्ट टच आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। ये भी आप देखोगे तो ये भी जो है हार्ड प्लास्टिक ही है। उसके बाद ये देख रहे हो ये जो है मेटेलिक क्रोम फिनिश में आप इसे कह सकते हो। ये आपको इसका डोर हैंडल जो है इसके अंदर मिल जाता है। ये पावर विंडो का बटन यहाँ पर आप देख रहे हो, एक बोतल की आपको स्पेस मिल जाता है, दूसरा यहाँ पर थोड़ा स्पेस आपको और मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल की अगर बात करोगे तो यहाँ पर आपको 4 स्पीकर और 4 ट्विटर का म्यूजिक सिस्टम जो है इसके अंदर मिल जाता है। टोटल आपको 8 स्पीकर इसके अंदर मिल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं रियर सीट की। अगर रियर सीट की बात करें तो रियर सीट की अगर थाई सपोर्ट की बात करें तो जो थाई सपोर्ट है वो आपको इसके अंदर अच्छा खासा मिल जाता है। एक्चुअली मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं जो थाई सपोर्ट है वो जो है काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर मिल जाता है। और नी रूम की बात करें तो नी रूम भी आपको इसके अंदर अच्छा खासा मिल जाता है। लेग रूम की अगर बात करें तो लेग रूम भी आपको इसके अंदर किसी प्रकार की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। पीछे के लिए रियर एसी वेंट जो आपको इसके अंदर नहीं मिलते हैं। अब अगर सीट की बात करें तो सीट की जो लेंथ है इसके अंदर आपको 3 बंदे की बात करें तो 2 अडल्ट और 1 बच्चा बीच में आराम से बैठ सकता है। 3 अडल्ट भी बैठ सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी आपको जो है एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। बीच में आपको इसके अंदर जो है आर्म रेस्ट भी मिल जाता है, जिसके अंदर आपको कप होल्डर जो है वो नहीं दिए जाते हैं, वो भी दिए जाने चाहिए। फिर बात करें जो हेड रेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट जो इसके अंदर मिल जाता है और काफ़ी एक्चुअली अच्छे आपको कुशनिंग के साथ जो है हेड रेस्ट इसके अंदर मिल जाते हैं। ये पार्सल ट्रे आप यहाँ से देख सकते हैं।
अब आपको मैं इसका डैशबोर्ड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये इसका जो डैशबोर्ड है आप यहाँ से देख सकते हो। अब चलते हैं आगे और आगे हम बात करते हैं कुछ और फीचर्स की। अब बात कर लेते हैं फ्रंट रो की। ड्राइवर डोर की साइड हम जाएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे आपको रिक्वेस्ट सेंसर जो है मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर से आप जो है कीलेस एंट्री इसके अंदर आप कर सकते हैं। अब अगर डोर ओपनिंग की अगर बात करें तो ये जो डोर है ये पीछे का जो डोर था उससे भी ज़्यादा इसकी वाइड ओपनिंग है। पूरा 90 डिग्री खुलता है जिससे कि आपको चढ़ने और उतरने में जो है ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं डोर की। अगर डोर की बात करें तो आपको सेम टू सेम वही जो प्लास्टिक वगैरह है बराबर वही मिल जाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई सॉफ्ट टच मटेरियल जो यहाँ पर यूज़ हुआ नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर नीचे यहाँ पर बात करोगे तो आपको एक वाटर होल्डर मिलता है, कुछ यहाँ पर स्पेस और मिल जाता है। वही मेटेलिक क्रोम के अंदर आपको इसका जो डोर हैंडल है वो मिल जाता है। यहाँ पर आप देखोगे तो पावर विंडो के बटन और ORVM के जो कीज़ आपको यहाँ पर वो भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपको ट्विटर के लिए जगह और यहाँ पर आप देखोगे ये आपको स्पीकर ग्रिल जो है इसके अंदर मिल जाता है। इसके अंदर आपको हारमन का जो म्यूज़िक सिस्टम है वो मिल जाता है। JBL के स्पीकर मिलते हैं जो कि आपको बेस्ट इन सेगमेंट जो साउंड क्वालिटी है वो प्रोवाइड करवाते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके ड्राइवर सीट की। अगर ड्राइवर सीट की बात करोगे तो आपको पहली बात ये वेंटिलेटेड मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको 3 मोड्स मिलेंगे वेंटिलेटेड के। दूसरी बात ये जो सीट है ये आपको पूरी तरीके से मैनुअल एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ना कि आपको किसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर बैठने के साथ ही आपकी सबसे पहली जो नज़र पड़ेगी वो इसके स्टेयरिंग व्हील पे पड़ेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज आपको डी कट के अंदर आपको इसके अंदर स्टेयरिंग व्हील जो 2-स्पोक का आपको स्टेयरिंग व्हील इसके अंदर मिल जाता है। ये आपको लैंड रोवर से इंस्पायर आपको स्टेयरिंग व्हील जो आपको मिलेगा। अब मैं आपको कार को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। टेक आउट द की फॉब। अब जो है गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये आप देख सकते हो आपको इसके अंदर फुल्ली जो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसके अंदर मिल जाता है, आप देख सकते हो। इधर बात करोगे तो इधर आपको मिल जाते हैं वाइपर के कंट्रोल। इधर बात करोगे तो आपको मिल जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल। साथ में आप अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको पेडल शिफ्टर्स भी है जो कि मिल जाते हैं। एक चीज जो आप यहाँ पर अगर देख पा रहे हो तो ये जो है आपको इसके अंदर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इसके अंदर जो है वो भी आपको मिल जाता है। ओवरऑल अगर इसके लेआउट की अगर बात करें तो काफी सिंपलिस्टिक आपको इसके अंदर जो है लेआउट जो है आपको इसके अंदर मिल जाता है। किसी भी प्रकार का आपको जो एक्स्ट्रा इसके अंदर की होती है बटन्स होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रखे गए, एकदम सिंपलिस्टिक आपको इसके अंदर मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें जो इसका म्यूजिक सिस्टम है ये आपको काफ़ी जो है बड़ा मिल जाता है, ऑलमोस्ट 10 इंच के आसपास आपको इसके अंदर मिल जाता है। इसका जो टच रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो टच रिस्पॉन्स है वो काफ़ी अच्छा आपको इसके अंदर मिल जाता है और काफ़ी ज़्यादा फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको अमेजन एक्सा भी मिल जाता है, गूगल का जो असिस्टेंट है गूगल असिस्टेंट वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, और जो खुद का इनका जो AI है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है, जिसका नाम है आयरा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको इसके अंदर ऑटो डिमिंग IRBM जो है वो भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है फॉर सेफ्टी। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऊपर देखोगे यहाँ पर SOS का कंट्रोल मिल जाता है, एयर की जो वार्निंग है वो मिल जाती है। सनवाइजर की बात करें तो ये इसका सनवाइजर है, इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको सनवाइजर के अंदर मिरर भी है वो मिल जाता है। फिर इसके सेंटर कंसोल की अगर बात करें तो टाटा ने जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी की थे AC का फैन और AC के टेम्परेचर को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी इसके अंदर की थे वो सारे इसके अंदर टच पैनल के अंदर आपको जो है मिल जाते हैं। जैसे ये हजार्ड लैंप का हो गया, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का हो गया, और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका जो कैमरा है जो इसके 360 व्यू का जो कैमरा है उसका भी बटन आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक बार देखो जरा, बेस्ट इन क्लास, यानी कि जो इसका सेगमेंट है उसमें आपको सबसे बेस्ट कैमरा क्वालिटी जो है आपको इसके अंदर टाटा पंच के अंदर आपको मिल जाते हैं, फिलहाल के अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है। उसके बाद अगर बात करें सेंटर कंसोल में तो इसको करते हैं बंद, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगर देख रहे हो तो ये जो है USB टाइप ए, USB टाइप सी, और साथ में आपको 12 वोल्ट का जो है चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर इसके गियर शिफ्टर की बात करें तो यहाँ पर आपको देख रहे हो काफ़ी स्टाइलिश
लैंड रोवर से इंस्पायर्ड आपको जो है गियर शिफ्टर इसके अंदर मिल जाता है, जो कि आप देख पा रहे हो फिलहाल ये पार्किंग में है। अगर हमने इसको वापस से पार्किंग ब्रेक पर लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो आपको दो जो है कप होल्डर इसके अंदर मिल जाते हैं। की रखने के लिए आपको यहाँ पर ही जगह मिल जाती है, जिससे आपकी की जो है रेगुलर चार्ज होती रहती है। थोड़ा स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। उसके बाद टाटा पंच में जो कमी थी आर्म रेस्ट की पुराने मॉडल में, हालांकि उसे फिक्स कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पर जो आर्म रेस्ट मिलता है वो आपको लेदर फिनिश में मिलता है और काफ़ी अच्छा मिलता है। अंदर इसके अगर स्पेस की बात करें तो काफ़ी डिसेंट स्पेस आपको इसके अंदर मिल जाता है, नॉर्मल जो चीज़ें आप अपनी इसके अंदर रख जाते हैं। दूसरा, ये मैग्नेट से जो है यहाँ पर लॉक हो जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत के सबसे फेवरेट फीचर की, जो कि है सनरूफ, जो भी आपको इसके अंदर अब मिलने लगा है। सनरूफ की बात करें तो आपको एक ही टच के साथ ये जो है सनरूफ पूरी तरीके से आपको ओपन होता हुआ यहाँ पर दिखेगा। एक बात जो है ये पूरा सनरूफ जो है ये पूरी तरीके से ओपन हो जाता है। दूसरी बात, अपने बच्चों को यहाँ पर बिल्कुल भी खड़ा ना करें, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसको बंद करना होता है तो आपको यहाँ पर दबा के रखना पड़ेगा। दूसरी बात, जो इसका जो शेड है इसको आपको अपने हाथ से ही बंद करना पड़ेगा। तो बस इसके अलावा दिखाने के लिए हाँ, ग्लव बॉक्स की अगर बात करें तो सेगमेंट का सबसे बड़ा ग्लव बॉक्स आपको इसके अंदर मिल जाता है, जो कि आपको कूल मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। टच एंड मटेरियल की बात करें, फिट एंड फिनिश की बात करें, तो टाटा पंच का जो फिट एंड फिनिश लेवल जो है वो और भी जो गाड़ियाँ उनसे काफ़ी बेहतर है। दूसरी बात, जो इसका टच एंड मटेरियल है वो भी काफ़ी अच्छा है। दूसरा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो आपको जो है इसका जो एयरो ट्विन जो डिज़ाइन है वो आपको इसके अंदर जो है मिल जाता है। ओके, तो ये थी टाटा पंच ईवी, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी जानकारी दे दी। अगर कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब जो है मुझे कोशिश करना। तब तक के लिए।